इस वक्त की बड़ी खबर औरैया से, युवक की हत्या से फैली सनसनी। परिजनों ने हत्या करने का लगाया आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के अनुसार मृतक युवक था नशे का, उसके साथी ने ईंट व लाठी से मारकर की हत्या। घटना की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस, परिजनों का हुआ रो रो कर बुरा हाल। अजीत मल कोतवाली क्षेत्र बल्लमपुर गांव का मामला। ये खबर औरैया से इस वक्त भारत टीवी पर आप देख रही हैं, जहां युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार मृतक युवक नशे का आदी था, उसके साथी ने ईंट व लाठी से मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। अजीत मल कोतवाली क्षेत्र बल्लमपुर गांव का बताया जा रहा है ये पूरा मामला। लड़ाई हुई है प्रिया को, उन्होंने डंडों से मारा है। 9:30 बजे की बात है। किसका मर्डर हुआ? मेरे भाई का कल्लू। क्या नाम उनका? राकेश कल्लू। पिताजी का नाम? लड़का पड़ता। आपका नाम? सुनील। आप भी घायल हैं? हाँ। और कोई घायल है? और कोई नहीं। तो अभी उनका शव कहाँ पे, उनकी बॉडी कहाँ पे? एम्बुलेंस में आ गए थे। किसने घटना की है? किसके साथ मारपीट हुई थी? चंदन। उनका पूरा और पिताजी का नाम? अकेले थे वो? निवासी कहाँ के? बल्लमपुर। आज दिनांक 17/9/2024 को सुबह 2 बजे के लगभग थाना अजीत मल को बल्लमपुर गांव का रहने वाला सुनील कुमार द्वारा ये सूचना दिया गया है कि उनका भाई राकेश उर्फ कल्लू पुत्र द्वारका प्रसाद उम्र 35 वर्ष को अपना ही गांव का रहने वाला चंदन पुत्र संतोष द्वारा लाठी से मार दिया गया है। इस कारण से उनका मृत्यु हो चुका है। सूचना मिलने पर थाना अजीतमल का पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंचा और बॉडी का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। घटनास्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम द्वारा किया गया है एवं साक्ष्य संकलन का कार्रवाई प्रचलित है। परिजन से तहरीर प्राप्त कर उचित दरों में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त का गिरफ्तारी हेतु 3 टीमें गठित किया गया है। मौके पर शांति है, आवश्यक विधि कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है।